उनको ना, ये ध्रुवी आई है 7B से, प्रतीक्षा आई है 7A से, वेदांत उरंकर आया 7A का, पूनम आई है 7A से, अनुष्का 7B, राजवर्धन 7B, वेदांत ठीक है, आकांक्षा पवार 7A, अनमोल पवार 7A, श्रेया श्रेयस जाधव 7B, रितिक्षा 7A ठीक है, अनुष्का, अनमोल, स्वराज 7B, के तुलसी 7A, राजवर्धन, आपको सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना था, प्रेजेंट नहीं करना है, प्रेजेंट किसी को नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है, प्रेजेंटिंग बंद करो राजवर्धन, सिर्फ नाम लिखना होता है। सर्वोदमन 7B, वर्णिका राउत, तनुजा थापा, अभिषेक 7B, रोल नंबर 20, ये अभिषेक कौन सा अभिषेक है ये? तो बिना सुनने वाला अच्छा, पार्थ, होल, अनुष्का, शिप्रा, नेहा, पायल, मुस्कान, पथमेश, आई, नरेंद्र, देववर्धन, ठीक है। चलो 8:30 हो गए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी नहीं आए उनको बोल दो ज्वाइन कर लें फटाफट। सर आप चाबी सिखाओगे? है बेटा? नहीं बेटा, अभी थोड़े दिन मैं सिखाऊंगा, अभी राव सर सिखाएंगे आपको फिर से, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या अभी? यस स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सर। नो स्क्रीन दिखाई दे रही है सर। अभी आपको? स्क्रीन दिखाई देगी नो रुको, नो सर। चलिए अभी आपको नो स्क्रीन सर। दिखाई देगी। स्क्रीन दिखाई दी आपको? तो बच्चों देखिए, आपको सिर्फ, हाँ सिर्फ आपको अपना नाम लिखना था चैट बॉक्स में, प्रेजेंट नहीं करना है किसी को, ठीक है। कोई अब प्रेजेंट नहीं करेगा, सिर्फ चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना था, ठीक है। तो वेलकम वेलकम क्लास 7A&B, ठीक है। ये क्लास जो होगी रिकॉर्ड होगी, ठीक है, सो दैट जो आपके फ्रेंड्स नहीं देख पाते उनको आप बाद में भी शेयर कर सको, ठीक है, वो देख सकते हैं इसको। तो लास्ट क्लास में आकांक्षा पवार 7A, हमने क्या पढ़ा था बताइए आकांक्षा बेटा, क्या पढ़ा था बताओ? सर सिंपल इक्वेशन चैप्टर चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज 4.3 अभी आज आप सिंपल इक्वेशंस पे ही करानी हो क्या? अच्छा, है। यस सर। ओ हो, चलो अभी हम 7A में हम अगला चैप्टर शुरू कर चुके हैं। तो आकांक्षा पवार 7A, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? आकांक्षा पवार 7A, 7A से स्नेहा, स्नेहा आपको आवाज आ रही है क्या? स्नेहा आपको आवाज आ रही है? सीमा, सीमा आपको आवाज आ रही है क्या? आयुष आ रही है तो बेटा अनम्यूट करके माइक से बोलो, आ रही है? सर स्नेहा और सीमा नहीं नहीं आए। रितिक्षा बेटा आप भी बताओ, रितिक्षा आपको आवाज आ रही है? स्नेहा आई हूँ मैं।
सर बताओ बेटा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, एक बार बता दो। आपके जो बी सेक्शन वाले पीयर्स हैं सर ना, इनको अभी पता नहीं है क्या हुआ, तो आप बताओ जरा एक बार, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, बताइए। एडजस्टेंट एंगल पढ़े, चल रहा है एडजेसेंट हमारा एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे, ठीक हाँ है, एडजेसेंट एंगल्स पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री सर, एंगल्स पढ़े थे हमने, है ना। देखो बच्चों, 7th B वाले बच्चों, सप्लीमेंट हाँ बोलिए, सर हाँ ही है सर, कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सर लाइनर वो एंगल पे होते हैं जिनका जो सम होता है वो 90 डिग्री आता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आता है ना, ये पढ़ा था ना हमने। और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब पड़ोस में जो एंगल हो, उसके बगल में जो एंगल हो, ठीक है ठीक है, उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और भी दो तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है, तो फिलहाल आज जो हम पढ़ेंगे उसके लिए भी बस सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज ज्यादा होगा। तो ये याद रख लो, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आता है। फॉर एग्जाम्पल, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। अगर मैं पूछता हूँ क्या ये सप्लीमेंट्री है, आप क्या करोगे, इनका पहले सम करोगे। सम करोगे तो इसका सम क्या आएगा, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री का, 7th B से ध्रुवी, बेटा बताओ, 180 डिग्री, 180 180 डिग्री आया। अगर 180 डिग्री सम, डिग्री, हाँ 180 डिग्री अगर सम आता है तो ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अगर मैं आपको लिखता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, तो अब मैं पूछता हूँ क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अब कैसे करोगे बताओ, क्या करेंगे हम, पहला स्टेप सब पहले हम उनका एडिशन करेंगे इनका, पहले सम करेंगे, हम सम करेंगे, ऐड करेंगे इनको, इनका ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब देखिए, अगर मैंने आपको दो एंगल्स लिखे हुए हैं, 25 डिग्री एंड 130 डिग्री, अब मैं पूछता हूँ क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो बताइए सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे ये दोनों, क्यों सर, नहीं होंगे बताइए, नो सर, सर क्यों नहीं होंगे, सर दोनों का नाम नहीं है किसी सर, वेरी गुड। तो क्यों इनका, क्यों नहीं सर, इन दोनों का सम जो है उनका सम 55 फाइव होता है डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो दीज टू सर, एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स, चलो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज का जो टॉपिक है बच्चों, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस सबको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ, ध्रुवी दिखाई दे रहा है, अनुष्का दिखाई दे रहा है। यस तो सर, देखिए, कोई भी दो लाइंस हैं, ठीक है, दो लाइंस हैं, वो देखिए स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस जो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है इसको कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ये मैंने, ठीक है, बस सिंपल है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, सर, वेरी, बहुत सिंपल है। तो ठीक है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पूछ रहा है, देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपको क्या लगता है, कैन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन वन पॉइंट, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो लाइन दो से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, नहीं नो होता सर, ना, चलो भाई नहीं होता, ठीक है, ये अगर लाइन होगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगी ना, ठीक है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगी। तो चलो अच्छा, आपके आसपास कोई एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। अच्छा देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अब आपको एक और चीज बताता हूं मैं आपको, लाइंस ध्यान दीजिए सभी, संचाली आई है क्या आज, संचाली आई है क्या आज, ठीक है, अभिषेक, सिर्फ अभिषेक, रोल नंबर 20,
सेवेंथ बी राइट एंगल मतलब क्या होता है बेटा, ये बताओ पहले मेरे को। एंगल विच इज 90 डिग्री. वेरी गुड, राइट एंगल। देखो बच्चों, 90 डिग्री का जो नाम है ना, राइट एंगल है, ठीक है। तो हम दो लाइंस को इंटरसेक्ट तब कहते हैं कि वो राइट एंगल्स पे कर रही हैं, जब वो उनके बीच का जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो, ठीक है। अब ये देखिए, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। तो ये दोनों एंगल्स, अगर इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, तब हम कहते हैं कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है। दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। अच्छा, रियल लाइफ में कहीं पे आपने एग्जांपल देखा है कि ऐसे कहीं पे कोई दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही हो राइट एंगल्स पे, कभी देखा है आपने? किसी को कोई बताओ यस जरा एक बार मेरे को, सर. बताइए। सर विंडो विंडो. के जो बॉर्डर्स होते हैं वहां इंटरसेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स ऑफ विंडो, ठीक है, डोर. ऑफ अ विंडो, सर डोर के जो होते हैं। और बताओ, टेबल. सर फ्लोर. कबर्ड के क्या, कबाड़. फोटो कबर्ड का क्या, फोटो फ्रेम की क्या, फोटो फ्रेम. सर फोटो फ्रेम. फ्रेम, बिल्कुल, फोटो फ्रेम की जो एजेस होती हैं, फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम. ठीक है, फोटो फ्रेम की एजेस जो होती हैं वो आपस में राइट एंगल फोटो पे इंटरसेक्ट करती हैं, फ्रेम. ठीक है। तो ये हमने, सर वेरी गुड, तो हमने क्लास में भी किया था ये, फ्लोर. याद है, राइट एंगल्स का जब आया था तो हमने क्लास में भी एग्जांपल्स निकाले थे बहुत सारे। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल हैं जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंगल पे, ठीक है। अगर आपने चौराहा देखा होगा, चौराहा सबने देखा है, चौराहा समझते हो क्या होता है, चौराहा, चौराहा समझते हैं आप लोग, यस चौर सर. कई, उसको मराठी में चौरंग हाँ, बोलते हैं सर. देखिए कई बार जो चौराहा होता है वो राइट एंगल्स पे दो रोड्स आके इंटरसेक्ट करती हैं ना, ये रोड है हमारी, कई बार इस पे है सर. ना, आपस में ये राइट एंगल पे, यानी यस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये रोड्स हैं, दो रोड्स हैं, ठीक है। तो अच्छा अच्छा ये पूछ रहा है, देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जरूरी है कि दो लाइंस हमेशा राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है ना, कुछ लाइंस देखो ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ऐसे है ना, जरूरी नहीं है, कुछ दो लाइंस ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, देखिए है ना, ये रेड वाली लाइन है और ये ब्लू वाली लाइन जो है, देखो ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं दोनों, है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए एक एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल सबको याद है, एक्यूट एंगल क्या होता है, क्या होता है बता दो। लेस देन 90 डिग्री, देखो। और ये देखो एक ऑप्ट्यूज एंगल है, ये देखिए एक ऑप्ट्यूज एंगल है, ये एक ऑप्ट्यूज एंगल है, तो राइट एंगल तो यहां पर है ही नहीं, है ना। ऑप्ट्यूज एंगल क्या होता है बताओ, मोर देन 90 डिग्री। देखो ये हमने एक काउंटर एग्जांपल दिया, ठीक है, काउंटर एग्जांपल दिया, नहीं भाई दो लाइंस जो हैं जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है, जरूरी नहीं होता ये। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, देखो ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए एक ऐसी लाइन होती है ना, सबको दिखाई दे रहा है, ये पहले एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे आपको दो रोड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये रोड वन है, ये रोड वन है और ये रोड टू है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये रोड थ्री है, दिखाई दे रहा है आपको, ये रोड थ्री दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, तो ये रोड थ्री है, देखो रोड थ्री रोड वन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है और रोड टू को भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दोनों रोड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस रोड को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल रोड, ठीक है, ट्रांसवर्सल रोड, ठीक है, एक तरह से ट्रांसवर्सल रोड है, देखिए ट्रांसवर्सल ऐसी उसी तरह एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन पढ़ो एक बार, अभिषेक, दूसरे वाला अभिषेक जो है, दोनों अभिषेक आए कि नहीं आए, मैं पढ़ू कौन पढ़ना चाहता है बताओ,
सर मैं पढ़ू, नाम बताइए अपना, सर मैं पढ़ू, सर नाम बताइए। परीक्षा, मुस्कान मेटा एक मुस्कान बार आप पढ़ो। हाँ मुस्कान मेटा आप पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बताओ। दैट इंटरसेक्ट टू और मोर दैट लाइन्स एट डिस्टेंस पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसवर्सल, ढंग से बोलो, ट्रांसवर्सल बोलो 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 बोलो, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, नहीं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ट्रांस वर्सल बोलो, वर्सल बोलो, ट्रांस वर्सल लाइन बोलो, ट्रांस। हाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या होता है अभिषेक, बताओ डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब क्या होता है। अलग पॉइंट्स, ठीक है, सेम पॉइंट्स नहीं होता, अलग अलग पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती है। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इनको एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दो देखो ये देखो, दोनों को इंटरसेक्ट करेगी एक लाइन, दो अलग अलग जगह पे, ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। सभी बोलो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो, ध्यान से सुनो, एक ऐसी लाइन जो किसी, हाँ वेरी गुड, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। दो, टू और मोर, ये याद रखना है बच्चों, कम से कम टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल, समझ में आया। ट्रांसवर्सल लाइन कम से कम टू या उससे ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ध्यान दो यहां पे, ट्रांसवर्सल लाइन कम से कम दो लाइंस को तो करेगी और उससे ज्यादा लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, मान लीजिए ये थ्री लाइंस हैं, देखिए, ठीक है, तो ये देखिए ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये ब्लू वाली है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये थ्री लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, कम से कम दो लाइंस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये कितनी भी लाइंस को इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे फोर लाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट लाइंस हो, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए इसको, ठीक है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए यहां पे अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया होता, देखिए कि आपके सामने दो केस नजर आ रहे होंगे, ठीक है, दो केस नजर आ रहे होंगे यहां पे आपको, देखो दिखाई दे रहा है सबको, तो जो ये केस नंबर वन है और एक केस नंबर टू है, तो केस नंबर वन में ये पूछ रहा है हमसे कि क्या पी ट्रांसवर्सल है, क्या पी ट्रांसवर्सल है, तो बताओ है क्या। देखो हाँ बिल्कुल, ये देखिए दो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को, है ना, कम से कम टू लाइंस को तो कर ही रही है। अच्छा केस नंबर टू में देखिए, क्या जो पी है ट्रांसवर्सल लाइन है। सर ये आवाज किसके माइक से आ रही है बेटा, बेटा, ये माइक बंद कर लो, सीमा बहुत आवाज आ रही है, किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। मोर्या सीमा, सर, सीमा मोर्या, अभी आप अपना सीमा माइक, मोर्या, माइक अपना म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, आवाज आ रही है आपके माइक में से। चलो बताओ केस नंबर टू में पी क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। सर, क्या नो सर, यहाँ पे देखो क्या लिखा था, टू, टू और मोर, कम से कम टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए ये, कम से कम टू पॉइंट्स पे। यहाँ पे तो देखो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ओनली वन पॉइंट है ना यहाँ पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी, नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन, नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल नहीं होगी, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ठीक है, इट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा यहां से आपसे एक चीज पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी। चलिए दिख रहा है सबको ये, फर्स्ट फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, वेरी गुड। तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है
सपोज टू लाइन्स आर गिवन, सपोज टू लाइन्स आर गिवन, ठीक है, दीज आर द टू लाइन्स, सो हाउ मैनी ट्रांसवर्सल्स कैन यू ड्रॉ फॉर दीज लाइन्स, आप कितने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकते हो इन दोनों लाइन्स के लिए, बताइए। वन रितिक्षा कितने कर सकते हैं हम? रितिक्षा वन कर सकते वन हैं? अच्छा भी, अच्छा वन, अच्छा जी। मान लो देखो मैंने एक ट्रांसवर्सल ये ड्रॉ करी, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी मैंने, एक देखो मैं इधर भी कर सकता हूँ, एक इधर भी कर सकता हूँ, 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 इन्फिनिट, वेरी गुड, इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल्स कैन बी ड्रॉन, इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल्स कैन बी ड्रॉन, हम जितना मन चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है, अनगिनत बना सकते हैं इस पे, ठीक है, समझ में आया? आपका जो जितना भी चाहो उतना बना लो, आप इन दोनों के बीच में बना लो, इन दोनों के बीच में बना लो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी आप चले जाओगे तब भी बना सकते हो, छोटा छोटा करके, है ना, तो आप इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन्स बना सकते हो। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रितिक्षा बेटा बताओ, रितिक्षा को बोलने दो, बस रितिक्षा बोलेगी, बाकी सबका माइक म्यूट रहेगा, बोलो रितिक्षा। ट्रांसवर्सल टू थ्री लाइंस, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर? सर बोल रहे कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल टू थ्री लाइंस और एक लाइन थ्री ट्रांसवर्सल लाइंस को, थ्री लाइंस को है, तो हाउ मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्ट, और बोल रहे कि वो कितने बार इंटरसेक्ट कर देखिए सकते हैं ये उनसे? ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन थ्री लाइंस को कट कर रही है, लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन इन लाइंस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, देखिए कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है सर इसके। वेरी थ्री गुड, देयर आर, वेरी गुड, देयर आर थ्री थ्री पॉइंट्स ऑफ थ्री इंटरसेक्शन, थ्री थ्री पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देयर आर थ्री थ्री पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वेरी गुड, ठीक सर है, वेरी गुड। ये सर्वोदमन की आवाज लग रही थी मेरे को, सर्वोदमन, सर वेरी गुड, वही बोल रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा अब देखिए यहां पर सर्वोदमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? डरने की कोई बात नहीं है, बोलो। तो सर्वोदमन इस केस में मेरे को बताओ, देखिए हमें थ्री लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन टी दी हुई है, ये लाइन टी है, लाइन एल, लाइन एम, इसमें से बताइए मेरे को कि ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, सर्वोदमन बताइए। 13 9 टी वाली, टी वाली जो लाइन है देखो, ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है, देखिए यहाँ पे टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पे, दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें पता है एंगल बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल बन रहे हैं, एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन, एंगल एट, ठीक है, एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में एक एंगल बनता है, तो अब हम इन एंगल्स के बीच में ना रिलेशनशिप देखेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बातें नहीं बेटा, माइक माइक म्यूट कर लो अब, ठीक है, अब हम इन एंगल्स के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ये देखिए लाइंस एल और एम के बीच का जो रीजन है ना, हम इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर रीजन कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीरियर इंटीरियर रीजन है, ये येलो वाला रीजन सबको दिखाई दे रहा है, हाँ ये इंटीरियर रीजन है ये, ठीक है, तो इंटीरियर को क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अंदर का, अंदर का हिस्सा है, बिल्कुल अंदर का हिस्सा है ये, और ये देखिए जो इसके बाहर जो ये रीजन है, इसके बाहर ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ये वाला और ये वाला, ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर रीजन है, रीजन।
वेरी गुड, ये एक्सटीरियर दोनों जो है ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर पोर्शन है, ठीक है, एक्सटीरियर पोर्शन है इन दोनों का, समझ में आया, ये एक्सटीरियर पोर्शन है, तो यस सबको याद सर, रहेगा, सबको यस सर, याद रहेगा ये, चलिए यस अच्छी बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए अब इन एंगल्स के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो देखिए ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं वन, अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से, इंटीरियर पार्ट में एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर पार्ट थ्री में वन एंगल थ्री एट एंड वन सिक्स एंगल थ्री एट सर, वन थ्री सिक्स एट सिक्स एट, वेरी गुड। एट चलो जो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आपको दिखेगा फिर आराम से, इसको मैं चलिए, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से थे, एंगल वन, एंगल थ्री, एंगल सिक्स, एंगल एट, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट में कौन कौन से एंगल्स हैं, 5, 7, 4, एंगल 5, 7, 4, 2, वेरी, एंगल फाइव, एंगल एंगल सेवन, एंगल फोर, एंगल टू, चलो बहुत बढ़िया, आपको पता लग गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अब ध्यान दीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, आपको ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, तो यस देखो थोड़ा मैं नीचे जाके दिखाता हूँ, नीचे शेप बना सर, रखी होगी, ठीक है। यस हाँ तो ये देखिए जो ट्रांस जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इनको यूजुअली हम कहते हैं एफ शेप एंगल्स, ठीक है, एफ एंगल्स कहते हैं कई बार। देखिए सबको दिखाई दे रहा है ये शेप, दिखाई दे रही है, यस तो ये जो शेप, वेरी गुड, जो शेडेड एंगल्स सबको दिखाई दे रहे हैं एफ के बीच में, देखिए शेडेड एंगल्स दिखाई दे रहे हैं सबको, ये वाले वन सर, और एंगल यस टू, तो इन दोनों सर, एंगल्स को बच्चों हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये वाले दो एंगल्स जो बन रहे हैं, ठीक है, एंगल वन एंड एंगल टू, ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये वाली शेप देखिए सभी लास्ट में है। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों एंगल्स हैं, देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्सल इधर है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस हैं, लाइन एल एन, ये देखो जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना अंदर, इन दोनों को कहते हैं, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह बताओ यहाँ पे एफ एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एफ बना रहा हूँ मैं पहले, तो कौन कौन से एंगल्स से करस्पॉन्डिंग है बताइए, एल और एम तो लाइन है, देखिए पेयर होते हैं इनके, ठीक है, एंगल वन एंड एंगल टू करस्पॉन्डिंग है एंगल्स हैं, ठीक है, पेयर लिखा हुआ है ना बच्चों, यहाँ पे देखो पेयर लिखा हुआ है, पेयर मतलब, हाँ पेयर मतलब एंगल जोड़ा होगा इनका, ठीक है, वन एंड टू का, ठीक है। अब देखो ये एक इधर से एफ बन गया, ठीक है, एक इधर से एफ बन गया, एक मैं अगर उल्टा एफ बना दूं, देखो एक यहाँ बन जाएगा एफ, देखिए ये एफ एंगल्स बन गए, तो ये एंगल बन गए, देखो दो, कौन कौन सा पेयर आया, एंड एट एंगल एट, एंगल एलेवन सेवन का, ठीक है, पेयर, सेवन नहीं बेटा एंगल सेवन और एंगल एट का आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सेवन और एट का पेयर आएगा, ठीक है, पेयर मतलब दो, जैसे जोड़ा होता है ना दो लोग होते हैं उसमें, वैसे ही दो एंगल आएंगे इसमें, ठीक है। उसी तरह देखिए अब ये ट्रांसवर्सल की एक साइड कंप्लीट हो गई, अब हम ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पे एफ एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक एफ इधर बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है, ये एफ बन गया, बताइए आप कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं आपको, 5 एंड 4 एंगल 5 एंगल 6 एंड एंगल 5, एंगल सिक्स एंड एंगल फाइव, वेरी गुड, एंगल सिक्स एंड एंगल फाइव, अच्छा जी, अच्छा अगर मैं इसको सी एक, अच्छा अब ये देखो मैं अगर ऐसे से एफ बनाता हूँ तो, ठीक है, ये उल्टा एफ बन रहा है, एंगल 3 एंड 4, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, एंगल थ्री एंड फोर, वेरी गुड, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ये सारे क्या हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चों, क्या हैं, पेयर ऑफ
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर्स एंगल। ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखेंगे हम। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो देखो, आपको इंटीरियर पार्ट तो पता चल गया ना, इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है? ये वाला इंटीरियर पार्ट है। यस हाँ, ये वाला इंटीरियर पार्ट है। तो इसमें जो सर, एंगल्स होंगे वो सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब देखिए, इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए ये वाले होते हैं। ठीक है, ये देखिए एंगल 3 है यहाँ पे, इसको हम जी एंगल्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जेड एंगल्स, जेड देखा है आपने, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ना जेड में, देखिए ये दो एंगल्स बनेंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम जेड यहाँ बनाओगे ना, जेड देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है जेड, रेड रेड, ये एंगल 3 और एंगल 8। हाँ, एंगल 3 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, अच्छा, अगर ये जेड मैं देखो थोड़ा ऐसे बना दूं तो, हाँ वेरी गुड, अगर मैं जेड ये ऐसे बना दूं, ये जेड मैं ऐसे बना दूंगा, तो और कौन सा बनेगा? एंगल 1 एंड एंगल 6। तो ये बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा यस है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो जिसने देखिए ये नहीं लिखा है ना, वो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, आप रिकॉर्डिंग में जाके इसको देख लेना फिर से। ठीक है, अभी आप इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लास 10th 11th तक आपको काम में आएगा, जिसने ये अभी नहीं किया फिर उसको ये आगे जाके बहुत दिक्कत होगी इससे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो, अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे आते हैं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? अब तो अब ये देखो एक्सटीरियर एंगल, देखो ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये एक्सटीरियर रीजन है ये। ठीक है, अब जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो इस रीजन से होंगे। तो देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, देखिए ध्यान से, ये वाले एंगल्स देखिए, एंगल 5 एंड एंगल 2, इनका पेयर बनेगा एंगल 5 एंड एंगल 2 का। और दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? एंगल 7 एंगल 4। वेरी गुड, एंगल 7 एंड 4, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, हाँ ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, सफाई कर देते हैं थोड़ी सी इधर। चलिए, अब देखिए लास्ट वाला कौन सा है, सबको समझ दिखाई दे रहा है? लास्ट वाला बताओ जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है लास्ट वाला? लास्ट वाला क्या लिखा है? ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो इंटीरियर एंगल मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, मतलब इस साइड, किसी एक साइड पे, देखिए सेम साइड पे कौन से पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर में और सेम साइड में? वन एंड एट, एंगल 1 एंड 8। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, अब ये देखो ये वाले एंगल्स इंटीरियर पार्ट में, इधर भी एक दूसरी साइड पे भी बनेंगे ना, एक साइड पे भी बनेंगे तो दूसरी साइड पे भी बनेंगे, ये कौन से एंगल है? एंगल 3 एंड एंगल 6। वेरी गुड, एंगल 3 एंड एंगल 6। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेमिंग आपको आनी चाहिए, जिसको भी डाउट आता है वो एक बार फिर से इसी पोर्शन को वापस से देखेगा। ठीक है, जाके फिर से देख लेगा। ठीक है, तो वही बताया उन्होंने, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को जी शेप एंगल्स, ठीक है, जी एंगल्स भी बोलते हैं, ये जो कॉर्नर में एंगल्स बन रहे एक बार फिर से बताओ ना।
ये देखो बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं इनको कहते हैं, देखिए जो एफ शेप एंगल्स होते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसवर्सल दिखाई दे रही है, सप्लीमेंट्री फिर से समझाओ ना। बता रहा हूँ वही ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है। ट्रांसवर्सल लाइन दिखाई दे रही है आपको, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक तो क्या सुन सुन पा रहे हो मेरे को? बच्चों क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक The lines on which the dancer line is drawn meet together. What will be the sum of the interior angles? बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है क्या? यस सर। कुछ आ गई थी? यस सर। हाँ तो चलो, किसको समझ में नहीं आया था करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल्स बता दो जरा एक बार। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स जो जो जेड शेप बनाते हैं इंटीरियर, ये देखिए जो हाँ एफ इंटीरियर एंगल, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे एफ शेप्ड एंगल, ठीक है एफ शेप बनाते हैं, ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। सर स्क्रीन में दिख रही है सर, आपका फोटो दिख रहा है वो बेटा, आपने फोटो दूसरे, दिख रहा है। हाँ ध्यान दो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मेरे वहां पे दो नाम लिखे हुए आ रहे होंगे, दूसरे वाले नाम पे नहीं टैप सर, करोगे, मेरे दो नाम लिखे आ रहे होंगे देखो अब। अच्छा 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 रुको, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है थोड़ा सा रुकते हैं, जब स्क्रीन दिखे तो बता। हाँ अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। चलो तो देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है इस केस में, ठीक है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे देखिए जो एफ बन रहा है ना, ये एफ बनता हुआ दिख रहा है सबको, थोड़ा डार्क डार्क ब्लू में दिख रहा है ये एफ बनता हुआ सबको, इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। ये देखिए जो एफ के अंदर के जो कॉर्नर्स हैं ये एंगल्स बनाते हैं, ठीक है ये जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सिमिलरली देखो ये एफ यहाँ पे भी बन रहा है, ये देखिए ये एफ यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है ये एफ यहाँ पर भी बन रहा है, तो ये जो कॉर्नर वाले एंगल्स है ना एंगल वन एंड टू, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे एक पेयर बन रहा है एफ एफ देखो बन रहा है, ठीक है एफ शेप बनती है जब ऐसे करते हैं, तो ये जो कॉर्नर्स में एंगल बन रहे हैं एफ के ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मैं पूछूं तो आपके दिमाग में एफ शेप आनी चाहिए, ठीक है एफ शेप, ठीक है एफ शेप आनी चाहिए। उसी तरह अल्टरनेट एंगल्स जब आते हैं तो हमारे दिमाग में जेड आना चाहिए, जेड जी शेप, ठीक है जी शेप आनी चाहिए। देखिए ये जी बनाते हैं, ठीक है जिब्रा, जी से जिब्रा होता है ना, देखिए जो Z के कॉर्नर्स होते हैं ना ये कॉर्नर्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, तो ये जो कॉर्नर्स हैं अंदर वाले, कॉर्नर्स हैं अंदर वाले, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। समझ में आया? उसी तरह देखिए यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है, yes, sir. थोड़ा अलग ही डिजाइन का बन रहा है मगर बन रहा है, ठीक है, ये एक जेड बन रहा है, तो ये जो yes, sir. अंदर वाले एंगल्स हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ये जी शेप बना, जैसे अल्टरनेट, हाँ जैसे ही अल्टरनेट एंगल्स का नाम आएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स का नाम आता है तो आपके दिमाग में जेड आना चाहिए, जी आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए आपके दिमाग में, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सबको दिखाई दे रही है छोटे से ब्लू बॉक्स में? यस सर। आदित्य मस्के, यस सर। आदित्य मस्के आपको आवाज आ रही है? यस सर। आदित्य मस्के आपको आवाज आ रही है? यस सर। बेटा एक लिखा हुआ है, समझाओ क्या लिखा हुआ है। सर पहले मेरे को आदित्य बता दो। हाँ नहीं, एक बार हो जाओ बेटा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बताइए, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पहले ये बता दो। पैरेलल जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है, कनेक्ट होती है सर, दो लाइन जब लाइन जो पैरेलल हो, मतलब होती क्या है प्रॉपर्टी, क्या होती है जो मिलती है, नहीं का जो इंटरसेक्ट नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती एक दूसरे को, ये कभी नहीं करती, ठीक है, नहीं करती ये एक दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करती, इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। हाँ सर, अपोजिट्स में होती है, अपोजिट में होती है, क्या बोल रहे हो, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, जैसे पैरेलल होती है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, स्क्वायर की अपोजिट साइड, ठीक है, विंडो में जैसे आपके घर की विंडो है तो उसमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा पैरेलल है, ठीक है, दोनों विंडोज की साइड पैरेलल होती है। रेल की पटरियां देखी है सबने, रेल की पटरियां देखी है, yes. तो वो पैरेलल होती yes, है, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? नो सर। बेटा किसी ने बीच में प्रेजेंट कर दिया था, ये कौन था, ये कौन था ये प्रेजेंट करने वाला, ओमकार बेटा, ये मैंने आपको कितनी बार बताया अपना नाम सही करके लाओगे, ओमकार बेटा अटेंडेंस नहीं लग पाएगी आपकी, ओमकार आवाज आ रही है आपको, ऐसे नाम लिख के लाओगे बेटा अटेंडेंस नहीं लगेगी फिर। सर लिफ्ट हो गए, अच्छा बच्चों आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओमकार आपको अपना नाम ठीक करके लाना है, ठीक है, नाम ठीक करके एंट्री करोगे नहीं तो अटेंडेंस नहीं लग पाएगी आपकी, ठीक है, और अटेंडेंस अगर नहीं होगी तो फिर पेपर नहीं दे पाओगे, इतना ध्यान दे लेना, आप हमेशा अपना नाम गलत लिख के लाते हो। सर कब है पेपर? बेटा होगा पेपर, ठीक है, और जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी फिर वो पेपर नहीं दे पाएगा, तो इसलिए अपने नाम से आईडी बनाओ, ठीक है, अपने नाम की आईडी हो तो दैट आपकी अटेंडेंस लगे, ऐसे उल्टा सीधा नाम सर, लिखना। पेपर बेटा होगा पेपर, जब होगा बता दूंगा मैं आपको कब होगा पेपर, ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखो कि आपकी अटेंड कर रहे हो सारी क्लासेस,
ठीक है, ये अपना अब ध्यान पता मैं रखना। मम्मी के नाम से आईडी है पर ना प्रोफाइल फोटो मेरा ही है। कोई बात नहीं, आपका यस मतलब सर मेरा पेरेंट्स का नहीं। नाम भी चल सकता है, आपका नाम या पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, मम्मी या पापा का, ठीक है, सो दैट पता लगे ये ओमकार। अर्चना मैम ने भी कहा था कि स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी फोटो यस रखो सर। प्रोफाइल में, हाँ वेरी इसलिए गुड, मेरी वही है। वेरी गुड, तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ओमकार, अगली बार से अपना नाम सही करके लाना है, वरना अटेंडेंस नहीं लग पाएगी फिर। सर स्क्रीन में दिख दिखाई देगी बेटा, अभी दिखाई देगी, स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी दिखाई देगी। सर माइक बंद करने पड़ा। भी आपको दिखे देगी, ठीक है, बीच में कोई बस सब ध्यान से सुनना है अभी आपको, ठीक है, ये बीच में जो शेयर करने लग जाते हो उससे दिक्कत होती है। अब सबको स्क्रीन दिखेगी थोड़ी देर में, दिखाई दी? यस सर, यस सर, यस सर। तो पैरेलल लाइन समझ में आया क्या होती है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कह रहा है कि आदित्य, आदित्य मस्के, देखिए ये कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है लाइन, ठीक है, तो जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना वो इक्वल होंगे। तो जैसे ये दोनों एंगल्स देखिए पेयर है, एंगल वन एंड टू, एंगल वन एंड टू जो होंगे इक्वल होंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली ये दो एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये भी देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। बस ये यही कह रहा है, कह रहा है अगर एल और एम पैरेलल हैं, अगर L और M पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। दिख रहा है सभी को ये लिखा हुआ? यस सर। अगर यस सर, देखिए अगर L, अगर L और M पैरेलल होंगे, ये देखो पैरेलल का सिंबल होता है, यस सर, ये दो सिंबल होंगे, अगर ये पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, बस ये यही कह रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल वन एंड एंगल टू थे, पेयर था इनका, और थ्री और फोर का था, तो ये दोनों इक्वल होंगे, बस यही कह रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने थोड़े से सम दिए हुए हैं हमें, सबको दिख रहे हैं ये, सबको दिख रहा है यहाँ yes, पर, देखिए यहाँ पर ये गिवन है, अभी yes, अभी वेरी गुड, अभी अभी हमने पढ़ा कि yes, हाँ वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड है कोई, बहुत ज्यादा, समवन इज वेरी एक्साइटेड, कौन है बहुत तेज यसर यसर कर रहे हैं, चलो वेरी गुड, ठीक है, इतना तेज मत चलाना बच्चों, ठीक है, कि कनेक्शन ही कट जाए। हाँ तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, फर्स्ट केस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है L इज पैरेलल टू M, यहाँ पे देखिए मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा बाकियों को दिखाई दे रहा है, आपने दो नाम बने आ रहे होंगे ना मेरे वहां पे, उसमें दूसरे वाले पे टैप कर उस पे दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है एल इज पैरेलल टू एम, और अभी अभी हमने पढ़ा है अगर एल एम के पैरेलल होगा, अगर ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने आपको बताया अल्टरनेट एंगल्स अगर आपका नाम में अगर आता है तो आपको जी याद आना चाहिए, जेड आना चाहिए याद, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जेड एंगल नहीं बन रहा है, ये देखिए जेड एंगल बन रहा है ना,
इसका मतलब वेरी गुड सर बन रहा है तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एल एम के पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अभी अभी हमने पढ़ा ना, ये देखो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ये पढ़ा है ना, इक्वल होंगे। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना यहाँ पर कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री यहाँ पे देखो, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल एक्स है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब डायरेक्टली लिख सकते हो कि एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए, सेकंड वाला केस देखिए, अब सेकंड वाला केस देखिए, सबको दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, सेकंड वाला केस दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए आपको ऑलरेडी गिवन है एल ए इज पैरेलल टू बी, लाइन ए इज पैरेलल टू बी, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो देखिए यहाँ पे जी एंगल बन रहा है, देखिए ये एक जेड बना रहा हूं मैं, देखो दिख रहा है सबको, यस सर जेड बन गया, यस सर बन रहा है। तो ये देखिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल वाई किसके इक्वल होगा, 55 डिग्री, वेरी गुड, 55 डिग्री के इक्वल होगा। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस देखिए, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये आपको पैरेलल दिखाई दे रही है क्या, ये पैरेलल दिखाई दे रही है, पैरेलल नहीं है ना, L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, ठीक है, ये सिंबल बना रखा है देखो, नॉट पैरेलल टू L2। तो क्या आप कह सकते हो कि एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, क्या आप कह सकते हो, नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा। अगर ये दोनों पैरेलल होती, अगर ये दोनों पैरेलल होती तो होता, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल होती तो होता, अगर नहीं है तो आपको इक्वल टू का साइन लगा के ये कट कर देना है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये वाला देखते हैं सवाल, अभी कोई शेप दिखाई दे रही है, यस सर देखिए, हाँ वेरी गुड, आपको दिखाई दे रही है। चलो तो भाई यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, L इज पैरेलल टू M, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंड P इज पैरेलल टू Q, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। हमने देखो एक चीज पढ़ी थी, देखो एक देखिए, सेवेंथ ए, सेवेंथ ए वाले बच्चों आपको आवाज आ रही है, अच्छा बच्चों आपको देखिए एक मैं वेरी गुड, एक प्रॉपर्टी बताना भूल गया मैं आपको, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए बेटा एक बार जो अगर आपने बोल दिया है ना, जैसे मैं जो पूछता हूँ बोलने के बाद अपना माइक म्यूट कर लिया करो, ठीक है, जब मैं कुछ पूछूंगा तभी अनम्यूट करना, ठीक है, जब मैं कुछ पूछूंगा तभी अनम्यूट करना, ठीक है, बाकी टाइम ऐसे आप फिर ऑन रखते हो तो घर की आवाजें आती हैं आपकी, ठीक है बच्चों। आपको अब देखो इधर देखो, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे मैं दिया हुआ है लाइन एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, इसमें इंटीरियर एंगल ऑन द सेम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से होंगे बच्चों, वन एंड टू, वन एंड टू, वन एंड टू एंड फोर, वेरी गुड, थ्री एंड फोर एंड वन एंड टू,
इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रायंगल। हाँ तो बच्चों अभी एक ध्यान दो, अब एक चीज मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दो। अगर मैं आपको, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइन एल इज पैरेलल टू एम, अब देखो आपने माइक ऑन रखा हुआ है, आप मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, म्यूट करो उसको, म्यूट करो उसको अब। हाँ तो अगर मैंने लिखा हुआ है अगर लाइन एल एम से पैरेलल होगी तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। सॉरी इन दोनों का जो सम है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री आएगा अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो। ठीक है, ये तभी होगा अगर लाइन एल एम के पैरेलल होगी। ठीक है, लाइन एल एम के पैरेलल होगी तो इस क्वेश्चन, एक बार फिर से बताओ ना। देखो ये तो समझ में आ गया ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल समझ में आया कि नहीं आया है? ये देखिए इंटीरियर पार्ट है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वन एंड एंगल टू आर द पेयर, ये जो पेयर बनेगा इसका, तो हमने यहाँ पे वन एंड टू लिख दिया। उसके बाद मैंने बोला दूसरी साइड देखो ये होगी, दूसरी साइड ये वाली होगी, तो ये थ्री एंड फोर बनेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ एल और एम पैरेलल है, अगर एल और एम पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब इनका अगर आप सम करोगे, इनका अगर आप सम करोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम 180 डिग्री आएगा, एंगल 3 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री आएगा। फिर किसी ने माइक ऑन करके रखा हुआ है, घर की आवाजें आ रही हैं पीछे से, म्यूट कर लो, जब कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट किया करो आप। ठीक है, तो इस वाले सवाल में देखिए यही करना है। देखिए तो यहाँ पे देखिए एंगल ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, एल जो है एम के पैरेलल है और पी और क्यू पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए 60 और एंगल ए का सम क्या आएगा बच्चों, 60 और एंगल ए का सम क्या आएगा, दोनों देखो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लिखोगे सिंस पी इज पैरेलल टू क्यू, दिस इंप्लाइज दैट इंटीरियर एंगल ऑन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप बताओ एंगल ए क्या आएगा, एंगल ए क्या आएगा, 180 डिग्री, वेरी गुड, ये आएगा 120 डिग्री, वेरी गुड, ये आएगा 120 डिग्री, वेरी गुड। तो हम ये 120 डिग्री यहाँ पे देखो, डिग्री का सिंबल मैंने नहीं लगाया, ये गलत होता है, तो हमें डिग्री का जो सिंबल है वो हमेशा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का सिंबल लगाऊंगा मैं तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए की जगह लिखेंगे 120 डिग्री, सबको दिखाई दे रहा है 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये जी एंगल बना रहा है, देखो ये वाला एंगल देखो दिख रहा है, ये जी बन रहा है, एक जेड बन रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी एक, इससे पहले देखो यहाँ पे जेड बनेगा, देखो इधर देखो एक बार, इसका नाम हम रख देते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं, इस वाले एंगल का इसका नाम रख देते हैं एंगल वन, इसका नाम रख देते हैं एंगल वन। बेटा फिर किसी के पीछे से आवाज आ रही है घर के, किसी का छोटा भाई रो रहा है, ये एंगल टू नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, तो अब ये देखो ये एक जेड एंगल बन रहा है, देखिए 60 के साथ ये देखो एक जेड एंगल बन रहा है ना, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, यस सर, यस सर, एंगल वन किसके इक्वल होगा, 60, वेरी गुड, 60, वेरी गुड, 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये 60 डिग्री के इक्वल आएगा।
मैं मिटा देता हूं, ठीक है। सिंस पी एंड क्यू आर पैरेलल, तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो एंगल वन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल वन इक्वल टू 60 डिग्री है, अब देखो यहां पे भी जी एंगल बनेगा, ये देखो ध्यान से, ये भी देखो, ये भी एक जी एंगल बन रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। तो एंगल एंगल सी क्या होगा? यस सर। एंगल सी क्या आएगा बताओ? यस सर 60 डिग्री। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वन, क्योंकि ये दोनों भी देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और एंगल वन तो 60 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आया, ये भी 60 डिग्री आ गया, ठीक है। ये अगर 60 डिग्री है तो बच्चों ये बताओ एंगल बी कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री आएगा। एंगल बी कितने डिग्री आएगा? एंगल बी कितने डिग्री आएगा बताओ? 60। क्यों 120। एंगल बी, बी फॉर बॉल, एंगल बी, बी बी फॉर बॉल वाला बी बी, अच्छा वो कितने आएगा बताओ? 120 डिग्री। देखिए आपको मैंने बताया था ना, अगर आपके पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दीज टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इनको क्या कहते थे हम, कौन से एंगल हैं, क्या कहते थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपको पता है वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री के इक्वल होगा, ये देखिए ये एंगल बी जो है ये भी 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें एंगल डी निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ बताइए क्या एंगल निकालना डी, डी फॉर डॉग वाला सर 120 कैसे आएगा बताओ? ये देखिए ये और ये एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये दोनों एंगल्स, अब बेटा माइक बंद कर लो, कौन चिल्ला रहा है मम्मी, बेटा माइक बंद कर लो, देखो दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, ठीक है, दीज टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, तो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी 60 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, सो 180 डिग्री कितना आएगा, सॉरी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आएगा, 120 डिग्री। बच्चों ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं, ये ट्राई दीज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस हैं, ये एक बार आपको खुद करना है, आपकी बुक में ही दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये बुक में दिए हुए हैं, ट्राई दीज वाले एक बार खुद करके देखना आप, ठीक है, ट्राई दीज वाले खुद करके देखना, ठीक है। तो कन्वर्स भी देखो बच्चों इनका ट्रू होता है, बस ये ध्यान दे लो, इसके बाद हम क्लास खत्म कर लेंगे। तो देखिए अगर ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइंस को कट करती हैं, ठीक है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी दो लाइंस को कट करती है, एल और एम, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes, sir. तो इसका कन्वर्स देखिए क्या है, yes, अगर ये कह रहा है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं, अगर कोई लाइंस दी हुई है, हमें ये नहीं दिया हुआ कि एल और एम पैरेलल हैं, हमें ये नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है, अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल होता है, अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल होता है, तब आप कह सकते हो
एंगल जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल होगी। कन्वर्स मतलब उसी का उल्टा, अभी हमने जो पढ़ा है उसी का उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका उल्टा पढ़ रहे हैं। अगर एंगल वन एंगल टू के इक्वल दिया हुआ है तो आप कह सकते हो एल जो है एम के पैरेलल है, ठीक है। एंगल वन एंड एंगल टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइन एल जो है एम के पैरेलल होगी। उसी तरह देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज किया हुआ है उसने सेकंड वाली में। वो कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं फटाफट, क्लास खत्म भी करनी है। ये कह रहा है अगर एंगल टू और एंगल थ्री, बच्चों कौन से एंगल्स होंगे, एंगल टू एंड एंगल थ्री, एंगल टू एंड एंगल थ्री कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है तब भी आप कह सकते हो लाइन एल जो है एम के पैरेलल है। एंगल टू एंड एंगल थ्री आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, तो आप ये कह सकते हो। सिमिलरली अगर ऐसे एक लाइन बनी हुई है और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ये दो एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं वन एंड टू, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, अगर वन और टू सप्लीमेंट्री हैं तब भी आप ये कह सकते हो लाइन एल जो है एम के पैरेलल होगी, ठीक है। तो बस ये उसका कन्वर्स स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, ये उसका कन्वर्स बता रहा है बस आपको, ठीक है। तो ये ट्राई दीज खुद कर लेना बच्चों, ठीक है, ये ट्राई दीज खुद करना, ठीक है, और एक्सरसाइज करने करने की कोशिश करना है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो खुद करने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है। जो नहीं आएगा वो आप मेरे को मैसेज कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। चलो अब क्लास एग्जिट करो बच्चों, अब क्लास खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ओके बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। लो एग्जिट करो बच्चों, एग्जिट करो फटाफट, एग्जिट करो, बाय सर, एग्जिट करो, एग्जिट करो, बाय सर। ओमकार अपना नाम सही कर लो वरना अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, पर नाम लिखा ही नहीं आता उसमें फिर। सर एग्जिट करो बच्चों, एग्जिट करो, सर क्लासरूम कोड भेजिए ना। कौन सी क्लास से बोल रहे हो बेटा आप? 7B न्यू एडमिशन बेटा, तो फिर ये अभी आपको राव सर देंगे, ठीक है, अभी राव सर से मैं बोल लेता हूँ, क्लास ग्रुप में शेयर कर देंगे वो, ठीक है। अभी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है इसको आप देख सकते हो, अभी मैं आपको भेजता हूँ थोड़ी देर में लिंक, ठीक है, क्लास के ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें आपको क्लासरूम कोड भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए लेफ्ट करिए अब, यस सर, राखी, अनुष्का बेटा लेफ्ट करो, सृष्टि लेफ्ट करो,